Yo, what's happening guys, my name is Logi और आज हम फिर से अपनी दुबई वाली सिटी के अंदर मौजूद हैं। और गाइज आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलेगा, क्योंकि गाइज वी आर गेटिंग सो क्लोज टू 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और गाइज अभी मुझे सीधा जाना है चीफ के घर के अंदर, क्योंकि गाइज लास्ट नाइट मैंने एक ऐसी चीज देखी जो गाइज आप सबको, अगर आपने सुन लिया तो आप चौंक जाओगे। मैंने गाइज एक्चुअली जंगल के अंदर एक नीला पिग देखा। मैं एक्चुअली गाइज झूठ नहीं बोल रहा। और ये पीछे वो ये क्या हो रहा है भाई? ये कौन सी बारिश हो रही है भाई? सोने के अंडे कहाँ से आ रहे हैं? ये चिकन को मैंने गोल करवा दिया था। ये चपाती भाई, ये क्या कर रहे हो? सोने के अंडे आप फेंक रहे हो क्या? ये कोई मामूली अंडा नहीं है, ये तांत्रिक वाले अंडे हैं। भाई पहले हमें ये बताओ कि भाई ये सोने के अंडे आप कहाँ से लेकर आए? ये सोने के अंडे मैंने शेर में से निकाले हैं। अच्छा भाई, भाई कैसे, कहाँ से निकाले? शेर के अंदर से। अच्छा, शेर के अंदर से कैसे निकाले? अंडों से एक दिन परफ्यूम बनेंगी भाई। लेकिन भाई एक्चुअली जोक्स को छोड़ो भाई, जोक्स साइड गाइस, मेरे पास यहाँ पर कितने सारे इफेक्ट्स आ चुके हैं। देख रहा है ये चमत्कारी अंडा भाई, मेरे पास ऐसे बहुत सारे अंडे हैं। वही तो। अच्छा ऐसा क्या है, मुझे दिखाओ ना भाई एक अंडा। अच्छा? मुझे भी दिखाओ, मुझे भी तो खरीदना है सर जी। ये वाला अंडा बनाना तो तेरे को 4 मुर्गियों के सर लेके आने पड़ेंगे। चल मुर्गियों के सर मैं कहाँ से लेकर आऊँ भाई? ये कौन सा माइनक्राफ्ट का फिजिक्स है? तू लेके आ रहा, अगर तेरे को अंडा चाहिए तो नौटंकी मत कर, मुर्गियां लेकर तेरे हार्ट कितने बढ़ चुके हैं देख तो सही ना। वही तो यार भाई, मुझे 2 एक्स्ट्रा हार्ट यहाँ पर मिल चुके हैं स्टैक्स। और एक काम करता गाइस, अभी गाइस मुझे जल्दी से जाना है और मुर्गियां यहाँ पर ढूंढनी है, क्योंकि चपाती भाई ने गाइस मुझे यहाँ पर बोला है कि मुझे यहाँ पर चाहिए मुर्गियों के हेड। तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि गाइस कि मुर्गियों के हेड में एक्चुअली माइनक्राफ्ट के अंदर अक्वायर भी कर सकता है। ए मुर्गी अपना सर निकाल, चल दे मुझे मुझे। आई थिंक गाइस ऐसा टैक्टिक नहीं होता है, आई थिंक मुझे मुर्गी को मारना पड़ेगा। तो ओ भाई गाइस, मैंने मुर्गी को मारने से पहले मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर डैमेज भी लिया, लेकिन एक्चुअली गाइस मेरे हाथों के अंदर मुर्गी का स्कल आ चुका है वो। और चपाती भाई ने बोला कि 4 और लेकर आने हैं। और आ गया मैं चपाती भाई, ये लो 4 अंडे दे मेरे को, 4 अंडे भाई। मैं आपके लिए 5 लेकर आया हूँ, आपने 4 मांगे, मैं 5 लेकर आया हूँ। क्राफ्टिंग टेबल के अंदर ऐसे क्राफ्ट होता है मुझे लगता है ये सीक्रेट वो कोड है भाई, ये मंत्र है। प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, चिकन प्रोग्राम कर रहा हूँ यहाँ पर। क्राफ्टिंग टेबल के अंदर कौन प्रोग्रामिंग करता है चपाती भाई? कुछ भी बोल रहे हो पागलों वाली बात। है ये सुनहरा अंडा, ये ये क्यों भाई? ये तो स्पॉन एग यहाँ पर आ चुका है, वो भी येलो वाला। तो अगर गाइस मैं इसको ऐसे जमीन के ऊपर क्लिक करके देखूं तो ये तो सोने का चिकन आ चुका है और ये मुझे फॉलो भी कर रहा है। ये चिकन एक्चुअली में तेरा पेट बन चुका है और थोड़ी थोड़ी देर बाद तेरे को ये अंडा देगा और जिस अंडे के अंदर से तेरे को मिलेंगे इफेक्ट। अच्छा तो मुझे लगता है मुझे वही वाला अंडा मिलेगा जो चपाती भाई ने गाइस वो सुबह सुबह वहाँ सामने फेंक रहे थे। ए चिकन अंडा निकाल भाई, मुझे कब मिलेगा यहाँ से अंडा? मुझे लगता है मुझे इसको थोड़ा बहुत खाना पीना देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले मैं यहाँ से थोड़े बहुत सीड्स निकाल लेता हूँ और ये ले चिकन खा ले भाई, पेट भर के खा ले। और कम ऑन अभी तो निकाल लेना अंडा प्लीज भाई, अंडा निकाल दे। मुझे मिल चुका है अंडा, लेट्स गो। अभी इसको जमीन के ऊपर मारियो। तो आई थिंक मुझे पोशन की तरह ऐसे नीचे मारना होता है और अभी मेरे पास यहाँ पर इफेक्ट्स आ चुके हैं। वो भी चिकन का जा रहा है, चिकन को भी, वो देख उसको भी इफेक्ट लग गए हैं। अच्छा गलती से उसको भी लग गया, तभी मैं तूने वो दे रही, ये क्या कर रहा है? ये तो एस्ट्रोनॉट बन चुका है भाई अपना चिकन। नीचे आ भाई, ये तो ऑलरेडी ये तो मुझसे ज्यादा भाई यहाँ पर फन कर रहा है, प्रोग्राम में ग्लिच आ चुका है। सही से प्रोग्रामिंग करो, मुझे सही वाला अंडा दिखाओ। अभी जा तू मेरे लिए लेके आ 4 पिगीज, उसका भाई मैं एकदम खतरनाक वाला तेरे को पिगी दूंगा। चल अच्छा 4 पिगीज, तो मुझे लगता है गाइस वो नीले वाला पिग चपाती भाई मुझे बना के देंगे। और बिल्कुल मेरे सामने गाइस 4 पिगीज बैठे हुए हैं। और ये लो पिगीज कहीं के, मैंने एक मार दिया, यहाँ पर एक और मार दिया है। और ये वाला कहाँ भाग रहा है, इसको पता है किसकी मौत आने ही वाली है तभी वो भाग रहा है। और ये रहा गाइस अपना फाइनल पिगी, मैंने इसको भी मार दिया है और मैं जस्ट इन केस एक और भी मार देता हूँ। और ये लो चपाती भाई, मैं आपके लिए 5 हेड्स यहाँ पर क्राफ्ट करके आया हूँ, वो भी पिग वाले। रुक जा, मेरा दरवाजा जाम हो गया है, जाम नहीं हुआ है। और ये चिकन कहाँ से आ रहा है भाई? मैंने अभी भाई मैंने जैसे ही ऐसे ऊपर देखा वो ऊपर से आ रहा है। चला अभी मुझे इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर रख दिया भाई, वेस्ट कर दिया। अरे वो चुगुट लग होता है वो। अच्छा अच्छा, बकवास मत बोल। ए मुझे तो एक और अंडा भी मिला, ये मेरे कोडिंग करने है। हां हां करो, कुछ भी भाई, भाई कुछ भी कर रहे हो। एक काम करते हैं गाइस, जब तक चपाती हुआ अपनी कोडिंग करते हैं, मैं अपने एक एक अंडा मार लेता हूँ यहाँ पर। अरे बन गया क्या? ओके, और इसका नाम है डायमंड पिग। तो अगर मैं इसको यहाँ पर स्पॉन करूँ तो ये तो वही नीला वाला पिग है जो मैंने जंगल में देखा था। अरे ये डायमंड वाला अंधा कहीं कैसे कह रहा है, वही नीला वाला पिग है। नीला पिग कहाँ से आ, ये डायमंड वाला पिग है ये। हाँ हाँ, सॉरी डायमंड पिग की एक खूबी है कि ये तेरे को हर 30 सेकंड बाद एक रैंडम आइटम देगा। वो भाई मुझे एनविल देखा भाई, ये भाई एनविल वैसे सही वाली चीज है। और कम ऑन है डायमंड वाले पिग की, मुझे नेदराइट के टूल्स चाहिए, नेदराइट की शॉर्ट
निकाल। कुछ भी देगा रैंडम, और एनविल दे रहा है भाई यार, सर पे मार दूंगा। यार मुझे लगता है आपने सिर्फ एनविल कोट कर दिया यहाँ पर। नहीं किया भाई, मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाइयो। ओके कम ऑन भाई अभी, अरे लेट्स गो। मुझे एक बुक मिली और ये बुक है इम्पेलिंग 10। वो भाई इम्पेलिंग भाई, ये तो इंचार्टमेंट लेवल 10 वाले बुक्स हमें दे रहा है। थैंक यू मेरे को देने के लिए। आप ले लो और आओ भरे, लेट्स गो। इसने मुझे नेदरराइट का इंगट दिया। ये बिकी बहुत तेज है, लेकिन इससे भी तेज भाई एक और चीज है। कौन सी कौन सी कौन सी? और वो है भाई, तेरे को लगता है कि ये इम्पेलिंग 10 बढ़िया भाई? तू काओ के सर लेके, काओ तेरे को टाइम्स 100 देगी भाई। व्हाट टाइम्स 100 भाई? फिर तो गाइस मुझे काओ का हेड लेकर आना ही पड़ेगा। तो मैंने एक काओ को तो मार दिया, लेकिन गाइस मैं चाहता हूँ कि मेरा पिकी मुझे यहाँ पर लूटिंग 10 की सॉर्ट दे, ताकि गाइस मैं एक शीप यहाँ पर मारूं या काओ मारूं और मुझे वहीं से ही 10 हेड मिल जाए। ओहो भाई मैं तो गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा थक चुका हूं। गाइस यहाँ पर हमारी सिटी के आसपास एक भी गाय नहीं थी, तो मैं बहुत ज्यादा दूर जाके आ रहा हूँ। और ये लो चपाती भाई, मैं इतनी दूर यहाँ पर गया हूँ भाई, ये वाला गाँव एक्चुअली सही होना चाहिए। ये इफेक्ट काम करने के लिए तेरे को पहले यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा इस वाले ब्लॉक के ऊपर। अच्छा ये वाले ब्लॉक के ऊपर खड़ा हो गया, बच गया भाई। मैंने भाई यहाँ पर आने से पहले मैंने जस्ट इन केस अपने लिए अंडा मार दिया था अपने ऊपर। भाई नया कोड है ये, ये देख अभी तेरे को मिलेगी यहाँ पर एक सुपर काओ। चल मार यहाँ पर, लेट्स गो गाइस। अभी यहाँ पर आ चुके हैं दी सुपर काओ, और ये तो रेमो वाली गाय है, सुपर वाली यही है। और इस काओ की खूबी है कि ये तेरे को हर एक चीज टाइम्स 1000 या 100 देगी। ये तो मेरे अंदर घुस रही है, दूर हो जा भाई, दूर से भाई, दूर से आइटम निकालनी है। आपने तो मार दिया भाई, क्या कर रहे हो? दूसरी कर रहा हूँ, दूसरी स्पॉन करो। तो आई थिंक ये एक मिनट बाद हमें ये आइटम्स देंगी, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस ये ज्यादा ओपी वाली पावर्स हैं। वो निकाल दे हूं भाई, कुछ ज्यादा ही टाइम हो चुका है। मेरी फॉलो भाई, मेरे अंदर तो घुस रही है, लेकिन गाइस ये बुक निकाल ही नहीं रही है। और जल्दी कर ले हेलो, अबे और पावर भी देखनी है, ये तो सिर्फ मेरे अंदर ही घुस रही है। अरे लेट्स गो गाइस, यहां पर फाइनली एक किताब आ चुकी है। और अगर मैं इसकी एन्चेंटमेंट देखूं तो इसके ऊपर मेंडिंग 1000 लगी हुई है। अरे लेकिन मेरी शॉर्ट के ऊपर ऑलरेडी मेंडिंग 1000 लगी हुई है। अगर मेरे को लगता है ये आपने क्या पहन लिया? बन चुका हूँ अभी, मैं कुछ नहीं दूंगा। चपाती भाई को लगा कि वो ओपी गाय बन चुके हैं। गाइस को, और अभी मैं तेरे को बताता हूँ, खतरनाक वाला डॉगी जो कि तेरी प्रोटेक्शन करेगा। ए भाई तो मुझे लगता है आप मुझे ट्रोल कर रहे हो भाई, मुझे सही काम कर। तू डॉगी के सर लेके आ और इस बार डॉगी 2 क्राफ्ट करेगा। चल अच्छा मैं क्राफ्ट करूंगा, एक मिनट। फिर तो भाई मुझे बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा डॉगी का हेड लेकर आने के लिए। कहाँ पर है सारे डॉग्स, कहाँ पर है गाइस? मुझे एग्जैक्टली पता है डॉग्स यहाँ पर जंगल के पास होते हैं, और ये रे और ये तो पूरे झुंड में आ चुके हैं। तो अगर मैं गाइस एक को अगर मैंने मार दिया तो पूरा अटैक मेरे ऊपर हो जाएगा, तो मुझे समझदारी से करना पड़ेगा। और ये ले डॉगी कहीं के, और एक काम करते निकलो 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 गाइस, इससे पहले कि गाइस इसका पूरा गैंग आके मेरे ऊपर अटैक कर ले, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और ऑल्सो गाइस मुझे जंगल के अंदर जाना है, क्योंकि गाइस वहां से मुझे लेने हैं अपने लिए थोड़े बहुत स्केलेटन्स, क्योंकि गाइस मुझे इस डॉगी को टेम भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर स्केलेटन्स भी खड़े हुए हैं, आ जाओ आ जाओ, ये ले पट से हेडशॉट। ओके मेरे पास हड्डियां आ चुकी है, मेरे पास 2 हड्डियां तो आ चुकी है। और ये कितने सारे स्केलेटन्स यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर इतने सारे स्केलेटन्स नहीं होते अपनी सिटी के अंदर। आ गया आ गया आ गया, और चलो निकालो भाई चपाती भाई। भाई हाँ तो इतने सारे तीर भाई, एक ही तो तीर लगा है। तो सुपर कुत्ता बनाने के लिए तेरे को ये 1, 2, 3, 4 फ्रेंड चाहिए, और चार डॉगी रखना है। चल और पूरा कोडिंग एकदम टाइम से करियो। मैं कोडिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्राफ्टिंग करूंगा। तो चपाती भाई ने बोला था कोडिंग करता हूँ, ठीक है ठीक है आप कोडिंग करो। और आई थिंक गाइस चपाती भाई ने ऐसा बोला था कि मुझे 4 फ्लिंट एंड स्टील इसके आसपास ऐसे रखने हैं। और ओ ये तो यहाँ पर आ चुका है, तो इसका नाम है गाइस फायर वुल्फ। और अगर मैं इसको ऐसे निकाल के यहाँ पर स्पॉन कर दूं तो इसकी पूंछ कैसे हिल रही है? कुत्तों की पूंछ नहीं हिलेगी तो क्या कुत्ते हिलेंगे? अरे भाई ऐसे कौन सी हिलती है भाई, हेलीकॉप्टर की तरह हिल रही है, ऑटोमेटिक है, डीजल पे डीजल पी आया ये वाला डॉग। तो अभी गाइस मुझे इसको टेम करना है, और लेट्स गो गाइस। एक ही हड्डी पे ये टेम हो गया। और ऐसे एक्चुअली होता क्या है भाई? ये मामूली कुत्ता नहीं है, ये बहुत पावरफुल कुत्ता है ये भाई। अच्छा। जिसके ऊपर अटैक करेगा ना वो बंदा जल जाएगा। तेरे को अच्छा ए आ जाओ फिर मैं आपको मारता हूं भाई। मुझे स्केलेटन मारवा में बहुत सारे स्केली से वहां के जा उनको मार। चल ये मुझे याद है यहां पर स्केली तो ढेर सारे थे। और पानी के अंदर मत लेके जाइए, कहीं फुसना हो जाए। नहीं ऐसा नहीं होगा, गया कहां पर वो? फुस हो गया वो। नारा नारा भाई मुझे लगता है यहां पर स्केलीज कहां पर है। काम करता पहले पिकी के ऊपर मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने पिक को तो मार दिया, तो ये गया काम भाई। यो हेलो, अरे ये रहा आ रहा। और ओरे क्या पड़ी, हाँ बहुत बढ़िया, गो डॉगी, ओरे लेट्स गो। और मुझे साथ में कुक्ड वाला खाना भी मिला। तो गाइस ये डॉग तो यार बहुत ज्यादा ओपी है, तो गाइस इसको मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। और अभी मैं तेरे को कुछ अद्भुत चीजें दिखाता हूँ जो कि मैंने अपने टाइम में कोड करके रखी थी। अच्छा ऐसा क्या? लैपिस वाला, और उसके बाद नेदरराइट ज़ॉम्बी, और फाइनली आता
उसका नाम ऑब्सीडियन गोलम। इस विलेज आ रहा है, इससे क्या होता है अच्छा ऐसा क्या? एक मिनट, मैं इसको अपना तीर का मान देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आधा डैमेज है। और ओके उसने उठा लिया, यहाँ पर ड्रॉप कर दिया और इसके ऊपर क्या पावर 1 लगी हुई है। अरे ये तो बड़ा सही वाला सही वाला आइडिया। एक काम करते हैं भाई, जो उस गाय ने मुझे ये मेंडिंग 1000 दी थी ना, मैं अपने बो के ऊपर लगा देता हूँ क्योंकि ये सारा डैमेज्ड हो चुका है। और उसके बाद तेरे को मैं दे रहा हूँ यहाँ पर ऑब्सीडियन, एक सेकंड, पहले मैं अपना बो यहाँ पर भाई क्राफ्ट करूंगा। और आज हाँ दिखाओ भाई क्या बोले आपने, ऑब्सीडियन मतलब ऑब्सीडियन क्या रहा है, ये तो ऑब्सीडियन वाला गोलम आ चुका है। तो मुझे लगता है इसके हाथों के अंदर फिर बहुत ज्यादा पावर होगी, तो मैं इसको, ये एक्चुअली मुझे फॉलो कर रहा है, तेरा पेट है ना मामा। अच्छा तो मैं जिसको भी स्पॉन करता हूँ वो ऑटोमेटिकली मेरा पेट बन जाता है, वैसे ही ये तो बहुत सही वाली पावर्स हैं। और अभी फाइनली आ रहा अपना ये नेदरराइट का ज़ॉम्बी। ओ ए, ये अटैक कर रहा है? अच्छा नहीं कर रहा है, वो हल्क है भाई वो। अरे वो नेदरराइट भाई बहुत पावरफुल ज़ॉम्बी है भाई, वो हर 30 सेकंड बाद ना तेरे को इफेक्ट देगा। अच्छा तो हर 30 सेकंड बाद ये मुझे पोशन मारेगा, ये तो एकदम से सही पावर है। एक मिनट भाई, मैं इसके मुंह के सामने ऐसे खड़ा रहूंगा, ये तो भाग रहा है। कितना सोना डाल के आया देख रहा है? वही तो मैं देख रहा हूँ यार, मुझे लगता है ये डेफिनेटली बैस्टियन लूट के आया ये वाला। कम ऑन मुझे दे दे एक अच्छा। भाई मुझे हेज 10 चाहिए ताकि मैं चपाती भाई की पूरी शॉप तोड़ सकूं। और इससे मुझे क्या दिया? इसने मुझे दिया स्ट्रेंथ की पावर। आ जाओ चपाती भाई, मुझे एक पावर टेस्ट करनी है आपके ऊपर। अच्छा हाँ हाँ नहीं, मैं मजाक करता हूं, मैं नहीं नहीं भाई, सोड अंदर कर, तो मैं निकल रहा हूं यहां से। भाई आपने मेरा ज़ॉम्बी भी मार दिया, ये बहुत चिपक रहा है ये लौंडा। अच्छा भाई सुन, सारी पावरों का ध्यान से उपयोग करियो। अरे मैं घर जा रहा हूं, कल फिर से आइयो। चल ठीक है ठीक है, मैं भी अभी घर जाता हूं यार। तो चपाती भाई ने तो गाइस मुझे आज बहुत सारी न्यू पावर्स दिखाई है। तो चलिए गाइस, आई थिंक इस वीडियो में इतना ही काफी है। तो होप यू एंजॉयड, और मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।